गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी दोनों उस्ताद तैयार हो चुके हैं, रोहन भी और युवराज भी दोनों तैयार हैं। तो आज मेरठ जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अब एक दो दिन आपको मेरठ के व्लॉग्स दिखाऊंगा। तो आज का प्लान है हमारा रोहन के मामा के यहाँ जाने का गाइस। और ये छोटे उस्ताद तैयार हो चुके हैं, कटिंग वटिंग करा ली इन्होंने अपनी। देखो गाइस इसकी कटिंग देखो कितनी मस्त करी है, यहाँ से पूरा कट लगवा दिया मैंने। हेलो, चलोगे? हैं, नए कपड़े पहन रखे आज तो। और ये देखो गाइस दोनों बैग पैक कर लिए पूरे, तू लेके चलेगा, मैं नहीं लेके चलने का आज। तो गाइस अभी चलते हैं, मौसम मस्त हो रहा पूरा, तो आपको दिखाते हैं रास्ते में, पूरे मजे लेते हुए चलेंगे। और बने रहिएगा व्लॉग में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो यार, प्लीज लाइक और कर देना जल्दी से इस वीडियो को। गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी में, और सर जी देखो बाल अपने ऐसे कर रखे हैं बिल्कुल चंपू वाले। देखो गाइस कंघा भी लेके चला, और इसके बाल देखो कैसे कर रखे। इसकी भी सुन लो गाइस, थोड़ी सी इसकी भी सुनो। गाइस देखो आगे आने की जिद कर रहा था, और अब ऐसे चुप किया जा रहा। भाई साहब सीट भी चेंज करनी पड़ेगी, जिद्दी इतना आगे आके ही माना, खरा फ्रंट सीट पे आना, तो अब सुला रही है इसे। अगला सो भी फ्रंट सीट पे रहा, बस एक बार सो जाए जब थोड़ा सा कौन सा मिलेगा। नहीं रो रो के इन्होंने जो ना गाड़ी में बस मजा उठा रखा। बैंड बजा दे, आप समझ सकते हो क्या फीलिंग हो रही होगी जब कोई आदमी कान पर होता। देखो गाइस अब ऐसे करके चुप कराया, नहीं चुप ही नहीं हो रहा था ये, जब से पता नहीं कौन से गाने गा रहा है। मामा के यहाँ जाने के गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं मामा के यहाँ जाने के। तो गाइस अभी चढ़ चुके हैं हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और अब जल्दी से पहुँचते हैं मेरठ। भाई साहब एक्सप्रेसवे क्या गजब बनाया बिल्कुल, मैं बीच में रुक के दिखाऊंगा आपको, बहुत मस्त मस्त जगह पड़ती है यहाँ पे रास्ते में। और बारिश ने देखो गाइस मजा बांधा हुआ पूरा। भाई साहब एसी जो है ना बंद करना पड़ेगा, ये भी हवा भाप फेंक रहा था बिल्कुल। गाइस अब चढ़ चुके हैं यहाँ से मेरठ के लिए, ये सीधा तो नीचे हापुड़ चला जाएगा, ऊपर से मेरठ के लिए जाएंगे। और ये सर जी ने सीट चेंज कर ली है, पीछे चले गए, छोटे भाई के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज तो काफी है कि सीट चेंज करनी पड़ जाए। बनता है बिल्कुल बिल्कुल बनता है भाई। गाइस अभी आगे मस्त सी जगह आएगी ना, वहाँ का 360 व्यू लेके आपको दिखाऊंगा, अब इस क्लिप के बाद ही देखना आप। देखो उस तरफ हवाई जहाज वाला होटल बन रहा, तो देखो वो खड़ा हवाई जहाज। अब बारिश पड़ रही है मस्त वाली, देखो गाइस ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा। इधर भी देखो गाइस ये रेस्टोरेंट वगैरह तैयार किए जा रहे हैं इस हाईवे पे, तो मस्त हो जाएगा ये फिर अपनी ये सुविधा, फिर यहाँ आराम से चिल करो आगे चलो फिर। देखो गाइस तो अभी अंडर प्रोसेस में है ना काम चालू है। सर जी आप अंदर चले जाओ, बारिश पड़ रही है। हेलो आप अंदर हो जाओ, मौसम गजब हो रहा है गाइस यहाँ पे, मन पूरा लग रहा है रोड पे चलते हुए, ऐसे मौसम में आनंद है कहीं पे जाने का, आने जाने का, घूमने का मजा इस मौसम में। हल्की हल्की बारिश ना यहाँ इस रोड पे कहाँ रुका जा रहा है, इतनी देर धूप इतनी पड़ती है, तपती थी ये। भाई साहब क्या स्पीड बना रखी है, गजब गाइस मौसम बस पूछो मत, गजब हो रहा है। ऐसे टाइम पे कहीं पकौड़े मिल जाना गरम गरम, मजा आ जाएगा। तो भाई साहब अभी दूर है मेरठ से, आगे मवाने पहुंचना, तो खाते पीते चलेंगे आराम से। और गाइस पहले से ही जो ना इंतजाम करके चल रहा, नुकरा मेरे मामा के होटल पे बन जाएंगी पकौड़ी। तो अभी आने वाला है काशी टोल प्लाजा, सामने लगे हुए स्पीड कैमरास। भाई साहब सावधानी से निकलो जो भी जाए, हिम्मत अगर 110 की स्पीड करके दिखाओ। हाँ गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं काशी टोल प्लाजा पे, तो यहाँ से 1 किलोमीटर है, बोर्ड लग गया पहले ही शुल्क प्लाजा 1 किलोमीटर। मैं टोल बढ़िया बना रखा, पर एक कमी कर रखी है, टोल काटते हैं ना गाइस, ये कमी है बस। रोड बढ़िया काटने का सिस्टम बदलना चाहिए। हाँ टोल नहीं
चाहिए, उल्टा उल्टा टोल देना चाहिए ना कि हाँ आप लोग आए तो भाई पैसे लेकर जाओ यार। हाँ रिश्तेदारी में जाता है, भेंट मिलती है ना तो भाई साहब भेंट मिलनी चाहिए यहाँ से। देखो गाइस कितना चौड़ा रास्ता पकड़ कर दिया यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पैसे देने तो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए आप लोगों को। तो भाई साहब कौन सी लाइन चूज करें, गाड़ी वाली ये सही है, इससे निकल जाएंगे जल्दी। थोड़ा सडनली मूड चेंज, फिर हमने ये वाली चूज कर ली आखिर। यार ये चीज समझ नहीं आती, फास्ट टैग होने के बावजूद भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पे। कायदे में तो ये टोल वाला जो सिस्टम है ना ये भी खत्म होना चाहिए। ऊपर एक तरह से जैसा दुबई में सिस्टम है ना, चलती गाड़ी में कट जाता है टोल, उस टाइप का सिस्टम होना चाहिए। उससे टाइम भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा और जो मैन पावर लग रही है ना टोल पे वो भी कम हो जाएगी। और इतना ऑटोमेटिक सिस्टम होने के बावजूद भी गाइस हम आज भी वहीं अटके पड़े हैं, क्योंकि पहले भी लाइन लग रही थी, आज भी लाइन लग रही है। सर जी गुड मॉर्निंग, उठ गए? हेलो हेलो, नहीं है तो गुड आफ्टरनून पर इसका तो गुड मॉर्निंग है, अभी जो उठाए। देखो कितना खुश हो रहा। अब गाइस पहुंचने वाले हैं यहाँ से सीधा मेरठ हाईवे पे, जो मोदी नगर वाला रास्ता उस पर उतर जाएंगे अब सीधा। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं कंकर खेड़ा, आज मेरठ पार होने वाला है थोड़ी देर में। रे बदमाश छोरा, देखो चश्मे आ गए हैं, वो भी तोड़ दिए टूटे हुए चश्मे। ये मेरी कट्टो। गाइस बारिश ने क्या हालत कर दी कंकर खेड़ा में, पूरा पानी पानी भरा हुआ चारों तरफ। भाई साहब देखो स्कूटी वाले अंकल जी रॉन्ग साइड आ रहे हैं पानी में मजे से। यहाँ जो है दोनों भाइयों का प्यार चल रहा है, कुछ कोने में गुजर गुजर हो रही है। सर जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप मम्मा की गोदी में रहो। ये मेरी गोदी आने का जी कर रहा है इसको, पर गाइस लूं कैसे यार गाड़ी चलानी है। बल ले लो, साइड में रोक के ले लो। आज इस सर जी को पता नहीं क्या हो रहा, कभी आगे कभी पीछे, अब अगली सीट पे भी चैन नहीं मिला इसे, आ रही है पीछे आ रही है। भाई साहब आज परेशान कर दिए इसने, कभी नहीं करा इतना परेशान। गाइस देखो दोनों भैया पीछे आराम से खेल रहे हैं। रोहन के बिना जी नहीं लग रहा था इसका अगली सीट में, तो यार अब फ्रंट सीट मुझे पूरी सोफे वाली बनानी पड़ेगी आगे वाली। दोस्तों जिनसे सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा ना उनके लिए मैं टैंक भिजवा रहा हूँ, इससे सीधा सब्सक्राइब का जो लाल बटन है ना उसे फोड़ दो, वो काला हो जाना चाहिए, लाल से बिल्कुल काला कर दो। और अब भी नहीं हुआ ना तो भाई देखो इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो। टैंक भी भेज दिया आपके लिए। हाँ देखो यार कहाँ से टैंक भेज रहा हूँ मैं, ढूंढ ढूंढ के टैंक भेज रहा हूँ आपके लिए। तो भाई लोग अब अपनी एंट्री हो चुकी है गंगानगर मेरठ में, तो बस यहाँ से थोड़ी आगे मवाना रह गया बस। पंख नुकरा बहुत देर से पंख नहीं लगवा सकते, पंख लेके उड़ जाते हैं। गाइस बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं होटल पे, होटल दिखाते हैं आपको, वहाँ मस्त पेट पूजा होगी पहले पहुंचते ही। देखो गाइस किसी के चेहरे पे जो है ना मुस्कुराहट अलग आ रही है, जैसे जैसे घर नजदीक आता जा रहा मीठी मीठी मुस्कुराहट अलग नजर आ रही है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं होटल पे, तो ये सामने अभी तैयार हो रहा है नया होटल, तो अभी जा नहीं सकते, देखो कीचड़ हो रही है, बारिश पड़ रही है ना, ये सब टूट जाएगा। तो फ्रंट से एंट्री रहेगी उस वाले होटल के लिए, तो मस्त पार्टी का अड्डा तैयार हो जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पार्टी हुआ करेगी फिर। तो अभी बारिश हो रही नहीं, मैं अंदर जाके दिखाता है, कीचड़ हो रही है सारे में, तो अभी जा नहीं सकते वहाँ पे। ये पूरा होटल गाइस बाग में बना हुआ है, तो बाग है चारों तरफ आम का, तो मस्त जब आम आएंगे ना तब आपको दिखवाएंगे यहाँ। और यहीं आओ सब घूमो मौज लो, मस्त लोकेशन है, तो आने वाले टाइम में कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा ये सब। देखो देखो क्या खाओगे आप, क्या खा रहे हो यहाँ? पिज़्ज़ा दूँ? यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे भाई साहब, यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे, बताओ हद। गाइस बताया तो हम यहाँ क्यों आए, कल अन्ना का बर्थडे है, हम कल आपको बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दिखाएंगे इस ब्लॉग कल तेरे एंड लाइक कर दो सब्सक्राइब, हम आपके साथ ब्लॉग शेयर करते रहेंगे, बाय और हाँ बाकी सब्सक्राइब कर देना।